यहाँ पर क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि राइट फोर निगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। ठीक है, मतलब चार गो निगेटिव इंटीजर लिखना है, ठीक है, जो कि -20 से बड़ा होना चाहिए, -20 से बड़ा होना चाहिए, ऐसा चार निगेटिव इंटीजर लिखना है। ठीक है, चार नंबर लिखना है। तो देखिए, इससे बड़ा जो होगा वो कौन होगा वो ध्यान दीजिए ना, समझने के लिए यहाँ पर एक रफ देखिए कि कोई नंबर लाइन जो होता है ना, उसके बीच में क्या होता है, उसके बीच में होता है जीरो और राइट साइड में होता है वन, मतलब पॉजिटिव इंटीजर, टू ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे माइनस हो गया इस तरीके से, और लेफ्ट में होता है प्लस वाला, माइनस वाला नंबर होता है वन -2, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो जीरो बीच में है, तो अगर जीरो जो है यहाँ पर बीच में दिया हुआ है, और उसके राइट साइड में जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है +1 +2, और उसके लेफ्ट साइड में वो आ रहा है वो -1 -2 नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे जीरो से लेफ्ट साइड की ओर चलते जाते, वैसे वैसे क्या होता है कि इसका वैल्यू घटते जाते हैं। जीरो से कम होता है -1, और -1 से कम होता है -2, -2 से छोटा होता है -3, -3 से छोटा होता है -4, ऐसे करके। ठीक है, और इस तरह पढ़ते चला जाता है, राइट साइड में जैसे जैसे जाते वैसे वैसे इंक्रीज करते चला जाता है। तो जीरो से, जीरो के बाद आता है वन, तो जीरो जो वन जो है जीरो से बड़ा होता है, और वन के बाद आता है टू, तो टू जो है वन से बड़ा होता है। ठीक है, इस तरीके से तो जैसे जैसे नंबर लाइन के राइट साइड में बढ़ते हैं, वैसे वैसे वैल्यू क्या होता है इंक्रीज होता चला जाता है, और जैसे जैसे लेफ्ट साइड में चलते जाते हैं नंबर लाइन से, वैसे वैसे इसका वैल्यू क्या होता है डिक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो कैसे होगा, यहाँ पर चार नंबर लिखना है जो कि -20 से ग्रेटर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो क्या क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे ऐसे करके लिखेंगे आंसर, फोर निगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20 आर। कौन कौन से हैं, तीन को यहाँ पर लिखना है, चार को लिखना है। तो -20 के बाद आता है क्या, -19 है ना, उसके बाद आता है -18, उसके बाद -17, उसके बाद -16, है ना, ये हो जाएगा आंसर। माइनस में क्यों लिखा गया है, -20 से कम, ऐसा तो 19 जो होता है ना वो 20 से कम होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस में है ना, इसलिए इसका वैल्यू उल्टा हो जाता है। ठीक है, -19 जो है -20 से बड़ा होगा, -18 जो है वो -19 से बड़ा होगा। ठीक है, माइनस वाला में अपोजिट हो जाता है, तो ये हो जाएगा इस तरह से आंसर। ठीक है, बाकी अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।